बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई ऐसी क्रीम बताऊँ जिससे हेयर जो है वो वाकई में स्ट्रेट होते हों और परमानेंट स्ट्रेट हो जाए। काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ आपने ट्राई की होंगी लेकिन आपको रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिले होंगे, आप थक गए होंगे और फिर आपने उसे जो है छोड़ दिया होगा यूज़ करना। आज मैं आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताऊँगी जो वाकई में आपके हेयर को परमानेंट स्टेट भी करती है, साथ साथ जो है वो आपके बालों की जो है वो केयरिंग भी करती है और आपके बालों को रफ़ और डैमेज नहीं होने देती। ये आपके बालों को अच्छे से स्मूथ और सिल्की बनाती है और ये परमानेंट जो है वो आपको रिजल्ट मिलता है, आपके बाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। परमानेंट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि कुछ सालों के लिए आपके बाल सीधे होंगे, यानी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे कि स्मूथ सिल्की बाल जो होते हैं नॉर्मली कुदरती जो बाल होते हैं स्ट्रेट बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, आपके बाल बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगे। दो स्टेप होंगे इसमें करने वाले, एक आपकी जो है वो स्ट्रेटनिंग क्रीम होगी, दूसरा एमुलेटर होगा। ऑरेंज कलर की जो ट्यूब होगी उसके अंदर जो है वो क्रीम होगी और वाइट कलर की जो ट्यूब है उसके अंदर एमुलेटर होगा। पहले आपने क्रीम अप्लाई करनी है, दूसरे स्टेप पर आपने एमुलेटर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह मैं अगला पार्ट इस वीडियो को बनाऊँगी जिसमें आपको मैं प्रॉपर मेथड बताऊँगी कि आपने किस तरह से हेयर वॉश करना है, किस तरह से इन दोनों को अप्लाई करना है, कितने टाइम के लिए आपने लगा के रखना है। तो कल की वीडियो जो है वो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बनाऊंगी प्रॉपर इसके यूज़ करने का तरीका, तो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप मिस कर देंगे, आपको करना नहीं आएगा, तरीका नहीं आएगा, तो फिर आपके बाल ख़राब हो सकते हैं ना। कुछ भी जाने, आपने मिस नहीं करना और आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, कल की वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आप हाफ़ क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि इसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, एक ही बार जो है वो ये एक ही बार का सैंपल होता है कि आप इसे एक बार ही अप्लाई कर लें, उसके बाद ये वेस्ट हो जाती है, तो आप इसे पूरा अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके बाल जो हैं वो बड़े हैं तो आप किसी की हेल्प की मदद से जो है वो क्रीम लगवाइएगा, ख़ुद से नहीं कीजिएगा एक्सपेरिमेंट। अगर कहीं से रह जाएगी क्रीम तो फिर आपके बाल वहाँ से जो है स्ट्रेट नहीं होंगे, दूसरी जगह से जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस जो है वो इंडिया की करेंसी की बात की जाए तो 500 रुपीज़ अराउंड ये आपको मिलेगी। वेला की क्रीम, प्रोफेशनल क्रीम है ये और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वेला के। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में जो है मैं इसके और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू करूँगी, इसके शैम्पू का भी रिव्यू करूँगी। अगर आप पर्सनली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये आपको 1200 से 1500 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा, बिकॉज़ ये बाहर से आते हैं सारे प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर टैक्स वगैरह लगते हैं और पाकिस्तान में तो अब और ज़्यादा जो है वो थोड़े से प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, हर एक चीज़ पे जो है वो प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये आपको 1200 से 1500 रुपीज़ के अराउंड मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने बिना जो है वो कल की वीडियो देखिए, आपने बिना इसे अप्लाई नहीं करना, आपको नुकसान हो सकता है। जब तक कि मैं आपको क्लियर ना बताऊं किस तरह से लगाना है, वो आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आपने वो मेथड अप्लाई करना है। देखिएगा आपको 110% जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बाल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ ये बता दूँ कि सूथिंग और स्ट्रेटनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर जो है वो बॉक्स पर लिखा होता है सूथिंग और स्ट्रेटनिंग। अगर आपने पहले से पॉलर से जो है वो स्ट्रेटनिंग कराई हुई है तो फिर आप इसको जो है वो नॉर्मल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी की शादी है या किसी का जो कोई फंक्शन वगैरह है उसके लिए जो है वगैरह आप स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंप्लीट मेथड देखिएगा जो मैं आपको बताऊँगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो मैंने सोचा दो पार्ट्स में वीडियो बना दूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, कल की वीडियो भी छोटी हो और आप आज की भी वीडियो छोटी हो, तो दो पार्ट्स में आप देखेंगे तो बआसानी आप वीडियो को समझ पाएंगे। तो पहले पार्ट में मैंने इसका रिव्यू कर दिया, दूसरे पार्ट में जो है मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसमें आपको इसकी प्राइस भी मालूम पड़ गए, आपको एक अच्छा ब्रांड भी मालूम पड़ गया और आपको इससे ये भी तसल्ली हो जाएगी कि इससे परमानेंट जो है वो हेयर स्ट्रेट भी होते हैं और 100% इसके रिजल्ट भी होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो 200 लाइक्स आपने ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको आपकी ही रिकमेंडेशन पर बनाऊँगी। और दूसरी बात, मैं और वुमेन हो, गर्ल हो, बॉयज़ हो, सब यूज़ कर सकते हैं, इससे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।